यूपी में उपचुनाव का मैदान तैयार है। पार्टियों ने चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करने के लिए चुनावी चाले चलना शुरू कर दिया है। सवर्ण, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के वोटों पर पहले से कब्जा जमाने की कोशिश में लगी बहुजन समाज पार्टी अब मुस्लिम समाज के वोट पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से पार्टी ने नया चेहरा देना शुरू किया है, जिसमें जय भीम जय भारत के साथ अब खुदा हाफिज भी बोला जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा को पीछे छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी ने जिस रणनीति के तहत ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है, उसके तहत पार्टी अब ये कहने में जुट गई है कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कांग्रेस अभी भी अपना वजूद तलाशने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी में बिखराव की दशा में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोटरों के बीच नई रणनीति के तहत काम कर रही है। रविवार को कानपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जितने भी पार्टी के प्रमुख नेता थे, यहां तक कि कांग्रेस से बसपा में अभी अभी शामिल हुए पार्टी के गोविंद नगर उपचुनाव प्रत्याशी देवी तिवारी ने भी अपने भाषण के बाद इस नारे का प्रयोग किया। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा सर्व समाज की बात करती आ रही है।